हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टोस्टी बाइट्स। चलिए आज बनाते हैं लखनऊ की ऑथेंटिक पक्की चिकन बिरयानी। जी हाँ, चिकन बिरयानी। इसे पक्की चिकन बिरयानी इसलिए कहा जाता है कि इसमें चिकन को पहले से थोड़ा सा पका दिया जाता है और फिर लेयरिंग करके बिरयानी तैयार की जाती है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी ऑथेंटिक लखनऊ की पक्की चिकन बिरयानी। हम देखते हैं बिरयानी बनाने का सबसे पहला स्टेप जो है बिरयानी के लिए अनियंस को फ्राई करना, जिसे हम बिरिस्ता भी बोलते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 बड़े प्याज। इसको हम लंबा लंबा काटेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिरयानी के लिए। बिरयानी का स्वाद जितना बढ़िया बिरिस्ता बनता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो चलिए बनाते हैं अपना बिरिस्ता। सबसे पहले मैंने अपने 3 बड़े प्याजों को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इनको धो लिया है। धोने के बाद हम इसकी इस ढंग से 2 पार्ट्स करेंगे सबसे पहले। और ये 2 पार्ट्स करने के बाद हम इसका जो रूट का साइड है उसको पहले तो निकाल देंगे। तो हम इसके रूट के साइड को निकाल रहे हैं। तो ये जो रूट है इसकी हम इसको अलग कर लेंगे। और अब हम इसको पतला पतला लंबा लंबा काटेंगे। जनरली हम जब लंबा काटते हैं हम इस ढंग से काटते हैं, पर हम इसको इस ढंग से काटेंगे, मीनिंग इस साइड से जहां से आपने रूट निकाली है उसी साइड से लंबा लंबा काटेंगे, कुछ इस तरह से लंबा लंबा पतला पतला हम इस ढंग से अपने सारे प्याजों को काट लेंगे। प्याजों को अच्छे से काट लेने के बाद में मैं इसको एक बाउल में डाल के हाथ की मदद से या फोक की मदद से अलग अलग कर दूंगी। इसको इस तरह से अलग अलग करना जरूरी है ताकि जब हम इसका बिरिस्ता बनाएं, यानी कि जब इनको हम फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे से अलग अलग होकर क्रिस्पी फ्राई हो। अब मैं अपना कढ़ाई में ऑयल गरम करूंगी। ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं अपने कटे हुए लंबे लंबे प्याजों को डाल दूंगी। मैं सारे प्याज को इस तेल में डाल रही हूँ। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं होना चाहिए। इस लेवल पर अगर हमारा ऑयल है तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पे। हमें ध्यान रखना है कि अनियन जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी लाल होने लगते हैं, तो हम इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं। प्लस जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू करेंगे हम इसको निकाल देंगे, बिकॉज फ्राई होने के बाद भी बाहर निकल के ये अपनी गर्माहट से भी फ्राई होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस लेवल पे जाकर हमें इसको इमीडिएटली बाहर निकाल देना है। तो इस वक्त मैंने कर दिया है फ्लेम मीडियम पे और मैं इनको अभी इस ढंग से फ्राई करूंगी, जिसमें हमें अराउंड 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी स्टेज पे मैं इसको निकाल दूंगी अपने किचन टावल पर। मैंने अपने बिरिस्ता वाले प्याज को किचन टावल पर निकाल दिया है थोड़ा सा छान के तेल से। अब मैं इसको हल्का सा टिश्यू से इस ढंग से इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा रिलीज करूंगी ताकि इसमें ऑयल ना रहे। और इसको फैला के, जिस ढंग से मैंने फैला के रखा है, इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख दूंगी और फिर हम इसको यूज करेंगे अपना बिरयानी बनाने के लिए। रिश्ता हो गया है तैयार। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम पहले दही लेंगे। तो हमने 1/2 किलो चिकन लिया है, उसमें हम डालेंगे कुछ 200 से 225 ग्राम दही। इस दही को हमें पहले अच्छे से फेंट लेना है। तो हम इस दही को अच्छे से इस ढंग से बीट कर लेंगे या फेंट लेंगे। अपने दही में डालेंगे कुछ बिरिस्ता। तो जो हमने जो बिरिस्ता 3 से 4 प्याज का बनाया था उसमें कुछ 20 से 30% छोड़ के मैं बाकी पूरा बिरिस्ता इसके अंदर ही ऐड कर लूंगी। इसी के साथ में इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 बड़े टेबलस्पून। इसके साथ में इसमें डलेगा हमारा बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला आप घर में भी बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से डालूंगी कि बिरयानी मसाला कैसे बनता है, नहीं तो आप बाज़ार का भी कोई बिरयानी मसाला लेकर यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी मसाला, अच्छा बिरयानी मसाला डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। तो मैं इसमें 3 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। इसी के साथ में इसमें डलेगा धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच। इसी में डलेगा हल्दी पाउडर
हाफ टी स्पून, इसके साथ में नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चम्मच, इसी के साथ में इसमें हम डालेंगे चाट मसाला एक बड़ा चम्मच और इसमें डलेगा जीरा पाउडर एक बड़ा चम्मच। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे दो बड़े चम्मच नमक के और साथ ही में इसमें ऐड होगा आधा नींबू का रस। हमारे चिकन को मैरिनेट करने के लिए सभी मसाले डल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो। मैंने इस बार भी लेग और थाई ही लिया है। आप लोगों को मालूम रहेगा कि मुझे वही पीसेस बेटर लगते हैं, तो इसमें मैं अपने सारे लेग और थाई के हाफ के जी के जो पीसेस हैं वो डाल दूंगी। मैं जनरली जो पीसेस हैं वो थोड़े बड़े ही कटवाती हूँ, तो जो थाई है उसके अप्रॉक्सीमेटली 3 पीसेस बनते हैं और लेग जो है हम उसको सेपरेट कर देते हैं। तो इसी ढंग से हम इसमें लेग और थाई के पीसेस अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा मैरिनेट है वो चिकन में अच्छे से लग जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च स्लिट करके इस ढंग से। इसी के साथ में इसमें ऐड होगा धनिया पत्ता। मैंने हाथ से थोड़ा भर के इसको डाल दिया है और इसी के साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। पुदीना भी मैंने हाथ से थोड़ा सा हैंडफुल पिक करके इसमें डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो ये मैरिनेशन है वो क्योंकि चिकन है तो अगर आप ओवरनाइट नहीं भी रखें तो चलेगा, तो अगर आप दिन में दोपहर में बनाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन देना अच्छा रहेगा। इससे जो चिकन है वो बहुत जूसी और बढ़िया टेंडर बन के आता है बिरयानी में। तो मैं इसको अब रख रही हूँ 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम अपने राइस को भी रेडी कर लेंगे। हमने बासमती राइस लिया है, ये मैंने कुछ 250 से 300 ग्राम बासमती राइस लिया है। इसको हम अच्छे से धो लेंगे। धोते हुए ध्यान रखना है कि हम हल्के हाथ से धोएं ताकि ये कहीं से भी टूटे ना, और धोने के बाद हम इसको मिनिमम आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। आधे घंटे पे भिगोने से ये बहुत खिले खिले बनते हैं, तो मैं इसको अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी। धो लिया है, मैं इसी ढंग से इसको डिप करके आधे घंटे के लिए भिगो के रखूंगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। अब मैं एक भिगोना लूंगी जिसमें पानी डालूंगी और उसको गैस पे रख के बॉईल कर दूंगी। पानी के बॉईल होते ही इसमें मैं भीगे हुए चावलों को डालूंगी। मैंने चावलों से पानी को निकाल दिया है। इसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, लौंग और स्टार एनिस और इसको बॉईल होने दूंगी। राइस में एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो हमारे राइस जो है वो 80% तक पक गए हैं, मीनिंग ये टूट तो रहे हैं पर पूरी तरीके से पिस नहीं रहे हैं, तो ये 80% तक रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देंगे। मैंने अपने राइस को ड्रेन कर लिया है एक स्ट्रेनर में। इसमें इस वक्त अगर आप चाहें तो जो खड़े मसाले हैं उनको भी बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को बिरयानी में खड़े मसाले मुँह पे आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप रहने दे सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब हम राइस को थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए रहने देंगे। बिरयानी के चिकन को पकाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई जिसे हम गैस पे रखेंगे और अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमें चिकन को अराउंड 80% तक पकाना है क्योंकि हम पक्की बिरयानी बना रहे हैं। चलिए देखते हैं हम इसमें चिकन को कैसे पकाएंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं चिकन को मैरिनेशन के साथ ऐड करूंगी। मीट के साथ पूरा चिकन इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम एक बार तेज गैस पे कुछ 5 से 6 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे ढक के रख देंगे। हमें चिकन को इस स्टेज पर 80% तक पकाना है, तो अगर हम इसको 10 मिनट के लिए सिम पे रखेंगे एक बॉईल देने के बाद में, तो ये 80% तक पक जाएगा। इसको पकाने का रीज़न ये है कि हम पक्की बिरयानी बना रहे हैं। अगर हम कच्ची बिरयानी बनाते तो हम रॉ चिकन जो है वो मैरिनेट के साथ डालते और उसको उसकी परत बनाते, बट इस बार हम पक्की बिरयानी बना रहे हैं तो इसको हम 80% जो है इसको पका लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें आलू अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो मैं इसमें 2 आलू भी हाफ कट करके डाल दूँगी। हमारे चिकन में एक बढ़िया सा बॉयल आ चुका है।
और मैंने इसमें आलू भी दो हाफ कट करके डाल दिए हैं। इस स्टेज पे मैं करूंगी फ्लेम को लो और इसको 10 मिनट के लिए इसी ढंग से ढक कर 80% के लिए गलने के लिए रख दूंगी। चिकन 80% तक पक चुका है, अब हम इसको असेंबल करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था, चिकन 80% तक पक चुका है और आलू भी हमारे अप्रॉक्सीमेटली 70% तक पक चुके हैं। अब हम इसको दम में ही बाकी पकाएंगे। चिकन को हम इसी ढंग से लेयर्ड रखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फैला देंगे ताकि हर तरफ से जब हम बिरयानी को सर्व करें तो नॉनवेज यानी चिकन या आलू के पीसेज आएँ, तो इसको थोड़ा सा फैला देंगे। फैला लेने के बाद हम इसमें डालेंगे एक राइस की लेयर, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते। इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते। इसी में हम ऐड करेंगे अपना बिरयानी मसाला थोड़ा सा, मैंने हाथ से ही 2 चुटकी या 3 चुटकी ऐड किया है। अब इसमें हम एक लेयर डालेंगे अपने राइस की। हम राइस की लेयर को इस ढंग से जेनरसली इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। मैंने कोशिश करके इसमें से राइस में से जितने भी खड़े मसाले थे उनको निकाल दिया। अगर आपको अभी भी कोई खड़ा मसाला नज़र आए और अगर आप निकालना चाहें, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो मुंह पे आए तो आप निकाल सकते हैं। इस ढंग से एक लेयर हम राइस की लगाएंगे। अब इसी के ऊपर हम फिर से डालेंगे थोड़ा सा अपना बिरयानी मसाला, इसके ऊपर आएगा हमारा पुदीना, थोड़ा सा धनिया। हम टॉपअप करेंगे अपने बिरिस्ता से इस ढंग से। अब हम इसके ऊपर एक और राइस की लेयर डालेंगे। लेयर के ऊपर भी हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती, इसके साथ थोड़ा सा पुदीना, हमारा बिरिस्ता इसी के साथ में थोड़ा सा बिरयानी पाउडर, और मैंने दूध में थोड़ा केसर मिक्स करके इस ढंग से एक ये घोल तैयार करके रखा है, मैं इसको भी इसके ऊपर डाल दूंगी। स्टेज पे हम इसमें डालेंगे एक ड्रॉप केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर बिरयानी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो मैं इसमें एक ड्रॉप ही सिर्फ केवड़ा वाटर डालूंगी। हमें केवड़ा वाटर डालते हुए ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा ना डालें, बिकॉज केवड़ा वाटर अगर ज़्यादा डालें तो उससे करवाहट भी हो सकती है, तो हमें एक या दो ड्रॉप ही इसके अंदर डालना है। मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप डाला है। अब हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे, या तो आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मलमल का कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि मलमल के कपड़े से अगर हम इसको सील करेंगे तो अगर बीच में खोल के देखना भी चाहें, अगर हमें कुछ डाउट्स हैं तो वो ईजी हो जाता है। आटे के उससे वो सील हो जाता है तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है खोल के देखना, इसलिए मैं इसमें मलमल का कपड़ा जो है गीला करके चारों तरफ से इसके कढ़ाई के लगा रही हूँ और इसको मैं अब इस ढंग से अच्छे से सील करके बंद कर दूंगी। इसी के साथ में मैं इसके ऊपर रखूंगी थोड़ा सा वेट, तो आपके पास कोई भी वेट की चीज़ हो इसको आप ऐसा रख सकते हैं। और अब मैं इसको गैस पे रखूंगी। गैस पे रखने के लिए हम इसको रखेंगे तवे के ऊपर, तो आप कोई भी तवा लीजिएगा उसको ऑन करके आप रखिए और उसके बाद उसके ऊपर इस कढ़ाई को रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम पकाएंगे। अब हम अपनी लेयर करी हुई बिरयानी की कढ़ाई को ढक कर उसके ऊपर वेट रख कर रख देंगे इस ढंग से तवे पर। अब हम रखेंगे गैस के फ्लेम को 5 मिनट के लिए हाई पर और उसके बाद गैस के फ्लेम को कर देंगे लो पर 15 मिनट के लिए। 20 मिनट में हमारी बिरयानी बढ़िया से अच्छे से पक जाएगी और बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। चलिए गैस के फ्लेम को करते हैं तेज 5 मिनट के लिए और उसके बाद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। करते हुए 15 से 20 मिनट हो गए, चलिए देखते हैं कैसी बनी है हमारी बिरयानी।
वाओ, बहुत ही बढ़िया सी महक आ रही है इसमें से। मैं इसका ये जो हमने मलमल का कपड़ा लगाया था उसको मैं हटा रही हूँ। खुशबू बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। चलिए इसको प्लेस करते हैं। वाओ, हमारी बढ़िया खिली खिली चिकन पक्की बिरयानी हो गई है तैयार। चलिए हम इसे सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ और मज़े लेते हैं इस गरम गरम बढ़िया सी बिरयानी का। ऐसी ही बढ़िया रेसिपीज़ के लिए और ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, या तो सब्सक्राइब कीजिए टोस्टी बाइट्स के चैनल को यूट्यूब पर।